बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 26 नवंबर सन 2021 व मुताबिक 21 रबीउल थानी सन 1443 हिजरी। नंबर 1 इस्लामी तारीख। पहली बयात अकबा। अकबा मीना के करीब एक घाटी का नाम है जहां सन 11 नबवी में मदीने से 6 अफराद ने आकर दीन इस्लाम कबूल किया। उसके दूसरे साल सन 12 नबवी में 12 अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने और बैत होने के लिए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर चोरी, जिना और कत्ल औलाद से बचने, अच्छी बातों में आपकी इताअत और पैरवी करने और एक अल्लाह की इबादत करने पर बैत की। उसको बैत अकबा उला कहा जाता है। जब उन लोगों ने वापसी का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान मजीद पढ़ाने, इस्लाम की तालीम देने और दीनी मसाइल बताने के लिए उन लोगों के साथ रवाना किया। मदीना पहुंचकर उन्होंने असअद बिन ज़ुरारा के मकान पर क़याम किया। वह लोगों को इस्लाम की दावत देते और मुसलमानों को नमाज पढ़ाते थे। उनको मदीने वाले अलमुक़री यानी पढ़ाने वाला उस्ताद कहा करते थे। उन्हीं की दावत तबलीग से साद बिन मुआज और उसैद बिन हुदैर जैसे सरदारों ने इस्लाम कबूल किया। नंबर 2 अल्लाह की कुदरत, आँखों की हिफाजत। अल्लाह ताला ने दुनिया के हसीन तरीन मनाज़िर देखने के लिए हमें जिस तरह आँख जैसी नेमत अता फरमाई है, उसी तरह उनकी हिफाजत के लिए खुद ब खुद मशीन की तरह उन पर ऐसे पर्दे लगा दिए हैं कि जब कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ आँखों के सामने आती है तो वो खुद ब खुद बंद होने लगती है। उनकी हरकत से जहां बाहर की चीज़ों के हमले से हमारी आँखें महफूज हो जाती हैं, वहीं उनके खुलने और बंद होने से आँख का मैल कुचैल साफ़ होता रहता है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और कुदरत से आँखों की हिफाजत का कैसा अजीब व गरीब इंतज़ाम कर दिया है। नंबर 3 एक फ़र्ज के बारे में, नमाज में खामोश रहना। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शुरू इस्लाम में हमें से बाद अपने बाजू में खड़े शख्स से नमाज की हालत में बात कर लिया करता था। फिर यह आयत नाजिल हुई, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तर्जमा, अल्लाह के लिए खामोशी के साथ खड़े रहो यानी बातें न करो। फिर हमें खामोश रहने का हुक्म दे दिया और बात करने से रोक दिया गया। तिर्मिज़ी हदीस नंबर 450। फ़ायदा, नमाज में बातचीत न करना और खामोश रहना ज़रूरी है। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, रुकू सजदा में उंगलियों को रखने का तरीक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते तो हाथों की उंगलियों को खुली रखते थे और जब सजदा फरमाते तो उंगलियां मिला लेते थे। तबरानी कबीर हदीस नंबर 17498। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत, कुआं खुदवाने का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पानी का कुआं खुदवाया और उससे किसी प्यासे परिंदे, जिन या इंसान ने पानी पिया तो क़्यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अज्र अता फरमाएगा। सही बिन खुज़ैमा हदीस नंबर 1227। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में, हंसाने के लिए झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत है जो लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कहे और उसमें झूठ बोले, उसके लिए हलाकत है, हलाकत है। अबू दाऊद हदीस नंबर 4990। नंबर 7 दुनिया के बारे में, ज़रूरत से ज़ायद सामान शैतान के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, एक बिस्तर आदमी के लिए और एक उसकी बीवी के लिए और तीसरा मेहमान के लिए और चौथा शैतान के लिए होता है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5452। नंबर 8 आखिरत के बारे में, क़यामत का हौलनाक मंज़र।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا ہرگز نہیں، کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 6-12۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، برنی کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے، وہ ایسی دوا ہے جو بیماری دور کرتی ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ مستدرک، حدیث نمبر 8243۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم بات کیا کرو تو انصاف کا خیال رکھا کرو، اگرچہ وہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جہد کرو اس کو پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔